हेलो क्लास सिक्स, टुडे वी विल डू चैप्टर सिक्स द अर्ली स्टेज. इट इज़ ऑन पेज नंबर 47 ऑफ योर सोशल बुक. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सोर्सेज फॉर द महाजनपद. हमें महाजनपद के बारे में कहाँ से पता चला इसके बारे में हम बात करेंगे. देन वील टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ महाजनपद, कहाँ से शुरुआत हुई इन महाजनपद की. 16 महाजनपद एंड देयर कैपिटल्स. इसके अलावा हम जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनकी कैपिटल के बारे में भी बात करेंगे. लाइफ ड्यूरिंग द महाजनपद, महाजनपद के टाइम पर लोगों की लाइफ कैसी थी. इसके अलावा हम लोग मगध के बारे में भी बात करेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. इन इंडिया द 6th सेंचुरी BCE विटनेस्ड अ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल किंगडम्स टू लार्जर पॉलिटिकल यूनिट्स विच कंसॉलिडेटेड टू फॉर्म जनपद्स एंड महाजनपद्स. तो जो 6th सेंचुरी थी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए और उनमें से जो सबसे ज़्यादा चेंजेस रहे वो रहे वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में. पहले लोग रहते थे ट्राइब्स में, छोटे ग्रुप्स में रहते थे, पर अब लोग बड़े ग्रुप्स में रहने लगे और उन बड़े ग्रुप्स को बोला गया जनपद्स. और जब जनपद का भी साइज बढ़ा तो उसको बोला गया महाजनपद्स. तो कहाँ लोग कम लोग रहते थे, छोटे ग्रुप्स में रहते थे, और अब कहाँ पॉलिटिकल यूनिट्स बढ़ गई थी. तो 6th सेंचुरी में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें इस चैप्टर में. दिस ट्रांजिशन वॉज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री. आयरन टूल्स प्रूव्ड टू बी स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग. विद द हेल्प ऑफ दीज स्टर्डी टूल्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन. तो उस समय जो चेंजेस रहे उसमें योगदान रहा आयरन टूल्स का भी काफ़ी. तो जो आयरन टूल्स थे वो काफ़ी यूज़फुल रहे उस टाइम पर. आयरन टूल्स की ही हेल्प से उस समय के लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर किया और अपने लिए ज़मीनें तैयार की कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि वो लोग क्रॉप करते थे, क्रॉप प्रोडक्शन करते थे. तो ऑफकोर्स उनको लैंड तो चाहिए थी, तो उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया विद द हेल्प ऑफ आयरन टूल्स. द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स लाइक प्लोशेयर सिंप्लीफाइड कल्टीवेशन एंड लेड टू सरप्लस प्रोडक्शन. तो जो आयरन टूल्स थे जैसे कि प्लोशेयर की बात करें, उसने कल्टीवेशन करना बहुत ही आसान कर दिया लोगों के लिए. और इतना आसान कर दिया कि अब लोग अपने खाने के लिए तो क्रॉप उगाते ही थे, इसके अलावा वो एक्स्ट्रा क्रॉप भी प्रोड्यूस करते थे जिससे होता था ट्रेड, यानी कि व्यापार. जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा क्रॉप का तो ऑफकोर्स वो उसको बेचेंगे. सरप्लस प्रोडक्शन प्रोवाइडेड इम्पीटस टू ट्रेड लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. अब जबकि एक्स्ट्रा सरप्लस होगा, हमारे पास ग्रेन्स ज़्यादा रहेंगे, एक्स्ट्रा रहेंगे, तो हम उन्हें बेचेंगे. और जब बेचेंगे तो उस समय के लोगों ने जब वो बेचा तो ट्रेड भी फ्लरिश हुआ और इसके साथ साथ टाउन्स और सिटीज़ भी फ्लरिश हुई, यानी कि टाउन्स और सिटीज़ में भी लोग आकर बसने लगे, रहने लगे, और जो उनका जो एरिया था वो अब बढ़ने लगा. The post-Vedic period saw the growth of towns and cities with flourishing trade and commerce. This led to the establishment of a more organized political setup as compared with the earlier tribes. तो पहले लोग tribes में रहते थे, छोटे groups में रहते थे, अब जबकि वो trade कर रहे थे तो उनके groups बढ़े, और जब group बढ़े तो उनका जो political setup था, जो रहने का system था, उसमें भी बहुत ज़्यादा improvement हुआ, growth हुई. ट्राइब्स वर अर्लियर नोन एज जन्स. तो पहले जो ट्राइब्स में यानी छोटे ग्रुप्स में लोग रहते थे उनको बोला जाता था जन्स. एज दीज जन्स ग्रू इन साइज एंड पावर दे केम टू बी नोन एज जनपद्स और फुट होल्ड ऑफ अ ट्राइब. तो जैसे जैसे जन्स बढ़ने लगे, जन्स का साइज बढ़ने लगा, ग्रुप का साइज बढ़ने लगा, ज़्यादा लोग आने लगे, तो हमने उसको बोला जनपद. और जब जनपद का साइज बढ़ा तो देखो हमने बोल दिया उसको महाजनपद. तो कैसे हुआ, ट्राइब्स को बोल. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, चलिए ट्राइब से. तो सबसे पहले ट्राइब से शुरुआत हुई. ट्राइब को बोला जाता था जन्स. जब जन का साइज बढ़ा तो उसको बोला गया जनपद. और जब जनपद का भी साइज बढ़ा तो हमने उसको बोला महाजनपद. अब हमें उस समय के जो महाजनपद थे उनके बारे में पता कैसे चलता है, तो चलिए देखते हैं सोर्सेज क्या हैं. द बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द जनपद्स एंड महाजनपद्स. तो जो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर है यानी उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं उनसे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है जनपद्स और महाजनपद्स के बारे में. इन फैक्ट द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय मेंशंस द 16 महाजनपद्स दैट केम अप ड्यूरिंग दिस पीरियड. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसका नाम है अंगुत्तर निकाय.
और इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है उस समय के जो 16 महाजनपद थे, 16 मेजर महाजनपद थे, उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। देखिए, आपको इस मैप में भी पता चलेगा, ये जो पिंक कलर से जो हाईलाइट किए गए हैं ये हैं आपके जनपद, और जो ग्रीन कलर से किए गए हैं वो हैं आपके मॉडर्न टाउन्स। तो देखिए ज़रा, जनपद कौन कौन से हैं, तो हस्तिनापुर हमें नज़र आ रहा है, इंद्रप्रस्थ हमें नज़र आ रहा है। देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ, लुक, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये आपको बुक में भी आपके नज़र आएंगे। देन मथुरा, इसके अलावा कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, राजगृह, है ना, उज्जैनी, वैशाली, तो ये सारे के सारे क्या थे उस समय के जनपद थे। अब हम बात करेंगे महाजनपद के बारे में, यानी कि ट्राइब, ट्राइब को बोला गया जन्स, जब जन का साइज बढ़ा तो हमने बोला उनको जनपद, और जब जनपद का साइज बढ़ा तो हमने बोला महाजनपद। तो पढ़ते हैं अब महाजनपद, यानी कि सबसे बड़ा जो ग्रुप था उस समय का। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड ट्राइबल यूनिट्स और जन्स एग्जिस्टेड, दीज ट्राइबल यूनिट्स वर लेड बाय अ किंग और राजन। तो पहले लोग ट्राइब्स में रहते थे, ट्राइबल यूनिट्स थी, उनका जो हेड होता था, जो ट्राइबल यूनिट का हेड होता था उसको बोलते थे किंग और राजन। हाउएवर बाय द 6th सेंचुरी BCE दीज ट्राइबल यूनिट्स बिकेम लार्ज एंड पावरफुल एंड एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ महाजनपद। पर 6th सेंचुरी तक आते आते इनका जो साइज था वो बढ़ गया और अब ये लोग कहलाने लगे महाजनपद। ग्रेजुअली नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 इंडिपेंडेंट किंगडम्स और महाजनपद। तो धीरे धीरे चेंजेस मैंने आपको बताया कि इसमें आए और काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो जो नॉर्थ इंडिया था, जो हमारा ये जो नॉर्थ इंडिया है, ये देखिए ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, इसमें हमारा जो एरिया था वो डिवाइड हो गया 16 इंडिपेंडेंट महाजनपद्स में, यानी कि किंगडम्स में। टुगेदर दी 16 महाजनपद्स वर नोन एज 16 महाजनपद्स। तो इन सबको मिला के, जो 16 महाजनपद थे इनको मिलाकर बोला गया 16 महाजनपद। आउट ऑफ द 16 महाजनपद खोसला, वत्स, अवंती एंड मगध गेंड प्रोमिनेंस एंड मगध वॉज नोन टू बी द मोस्ट पावरफुल ऑफ द 16 महाजनपद। तो इन 16 महाजनपद में से जो सबसे पावरफुल था उस समय का उसको माना गया मगध, और मगध के अलावा जो अपना अच्छा रुतबा कायम कर पाए उस समय के जो फेमस थे, पावरफुल थे, वो थे खोसला, वत्स और अवंती, जिसमें कि मगध सबसे ज़्यादा था। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक निकालनी है आपको सोशल की, और उसमें ये सारे जो आपको जनपद दे रखे हैं, देखिए आपको ये जनपद दिए हुए हैं, ये कैपिटल दी हुई है, इसके बाद नेक्स्ट पेज में भी आपको ये दिए हुए हैं, ओके। तो ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं फ्रंट पेज पर। इस चैप्टर की शुरुआत में आप सबसे पहले लिखेंगे महाजनपद एंड देयर कैपिटल्स, ओके, और लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। वी ऑलरेडी नो दैट मेजर चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इन द अप्रोच ऑफ गवर्निंग पॉलिटिकल यूनिट्स। द 6th सेंचुरी विटनेस्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल ट्राइबल यूनिट्स टू जनपद एंड महाजनपद व्हिच वर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे कि जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो किस तरीके से चेंज हुई 6th सेंचुरी में आकर, पहले लोग ट्राइबल यूनिट्स में रहते थे, छोटी यूनिट में रहते थे, और अब बड़ी यूनिट्स में रहने लगे, यानी कि महाजनपद में रहने लगे, और जो ये महाजनपद थे ये भी डिवाइड हुए आगे जाकर मोनार्कीज़ और रिपब्लिक में। तो देखते हैं ये मोनार्कीज़ और रिपब्लिक्स आखिर क्या चीज़ हैं। सो द महाजनपद सिंबलाइज्ड द कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्कीज़ एंड रिपब्लिक्स। तो दो टाइप की गवर्नमेंट चलती थी ये जो महाजनपद थे उनमें, 16 महाजनपद थे उसमें दो टाइप की गवर्नमेंट चलती थी, फर्स्ट इज मोनार्की एंड द अदर वन इज रिपब्लिक। द रिपब्लिक्स और गण संघ्स वर रूल्ड बाय एन इलेक्टेड चीफ हु वॉज द हेड ऑफ गण संघ एंड वॉज आंसरेबल टू द काउंसिल दैट वॉज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट गण संघ। तो ये जो था, तो सबसे पहला सिस्टम था हमारा रिपब्लिक, ये बिल्कुल हमारे अभी जैसा चल रहा है वैसा था, जिसमें जो लोग थे वहाँ के वो अपना हेड चुनते थे, अपना चीफ चुनते थे, और वो आंसरेबल होता था काउंसिल को,
ओके उसको जो भी डिसीजन लेना होता था, जो भी लॉ बनाना होता था, उसमें काउंसिल पूरा पूरा साथ देती थी। तो बिल्कुल आज जैसी गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया में चल रही है उसी टाइप का था, जिसमें लोग अपना नेता खुद चुनते थे। तो ये बात हो गई रिपब्लिक की। द रिपब्लिक्स वर डेमोक्रेटिक इन कैरेक्टर एंड वर द अपोजिट ऑफ मोनार्कीज वेयर किंगशिप वॉज हेरिडिटरी। तो बिल्कुल इसका अपोजिट होता था मोनार्की में, जहाँ पर राजा का बेटा राजा बनता था, इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता था, लोग अपना नेता अपना राजा नहीं चुनते थे, जो राजा का बेटा होता था वही राजा बनता था। तो पता चला रिपब्लिक या मोनार्की। अब आप मुझे ये चीज़ बताइएगा व्हाट्सएप करके कि रिपब्लिक ज़्यादा अच्छा है या मोनार्की ज़्यादा अच्छी है, कि राजा का बेटा ही राजा बने वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर सारे लोग मिलकर अपना नेता अपना राजा खुद चुने, जिससे अगर अगली बार वो कोई गलती करता है तो वो बिल्कुल भी राजा नहीं बने। तो आप बताइएगा दोनों में कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। द किंग वॉज कंसिडर्ड डिवाइन एंड पावरफुल एंड टुक ऑल डिसीजंस। तो इसके अंदर जो किंग होता था वो पावरफुल होता था, उसके ऊपर कोई नहीं था और वही सारे डिसीजंस लेता था। द रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। हाउएवर एज द रिपब्लिक्स वर नॉट मिलिट्री इन कैरेक्टर एंड देयरफॉर वर इजीली कॉन्कर्ड बाय मोनार्कीज। तो रिपब्लिक्स को तो जो रिपब्लिक थे वो मिलिट्री कैरेक्टर के नहीं थे, ज़्यादा वॉर वगैरह करने के इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, तो इसलिए मोनार्की ने उनको आसानी से हरा दिया और जीत लिया रिपब्लिक्स को। यानी कि जिन महाजनपद में रिपब्लिक गवर्नमेंट थी वहाँ किसका राज हो गया, मोनार्की का हो गया, यानी जो मोनार्की जन महाजनपद थे उन्होंने उनको जीत लिया, जिसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। द लिच्छवीज बीइंग कॉन्कर्ड बाय मगध इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ अ रिपब्लिक बीइंग कॉन्कर्ड बाय अ मोनार्की। तो जो मगध थी उसमें मोनार्की था और लिच्छवीज में रिपब्लिक, तो लिच्छवीज हार गए मगध से और मगध ने जीत लिया लिच्छवीज को। ओके अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। टैक्सेस वर कलेक्टेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए टैक्स को कलेक्ट किया जाता था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस वॉज यूज टू मेंटेन द आर्मी विच वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द महाजनपद। तो महाजनपद का जो इंटीग्रल पार्ट था, इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो आर्मी भी था। तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो जो टैक्स आता था, जो रेवेन्यू आता था, उससे क्या होता था, आर्मी को मेंटेन किया जाता था। Besides maintaining an army, the revenue collected from taxes was used for the construction of roads and canals. तो ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट पैसा लेगी तो लोगों के लिए रोड भी बनाएगी, कैनल्स भी बनाएगी। तो आर्मी भी मेंटेन करते थे, रोड्स भी बनाते थे और कैनल्स भी बनाते थे, और पैसा आता था लोगों से टैक्स लेकर। द महाजनपद वॉज रूल्ड विद द हेल्प ऑफ अ नंबर ऑफ ऑफिशियल्स सच एज द सेनापति हु वॉज द चीफ ऑफ द आर्मी, द ट्रेजरर और द ट्रेजरर और भंडागारिक एंड अ भागदुक विच वॉज एन ऑफिशियल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेज। तो देखो अकेला राजा तो महाजनपद को चला नहीं सकता, उसको लोग तो चाहिए, ऑफिशियल्स तो चाहिए अपने किंगडम को चलाने के लिए, महाजनपद को चलाने के लिए। तो जो आर्मी का चीफ होता था उसको बोलते थे सेनापति, जो ट्रेजरर होता था उसको बोलते थे भंडागारिक, और इसके अलावा जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको बोलते थे भागदुग। अ प्रीस्ट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही फंक्शनड एज द चीफ एडवाइज़र। तो अगर किसी ने रामायण महाभारत देखी हो ना, तो आप देखिएगा कि कोर्ट में ना एक प्रीस्ट भी बैठा करते थे, पुरोहित बैठा करते थे महाराज के साथ, राजा के साथ, तो वो उनको एडवाइज़ किया करते थे और वो चीफ एडवाइज़र की पोजिशन एक्वायर करते थे उस समय पर। देखिएगा इस टाइप के पुराने प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे उसमें। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो इस तरीके से चलता था इनका। अब मगध के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में बात। आप लोगों को अपना होमवर्क पता है ना, आपको महाजनपद और कैपिटल लिखनी है अपनी नोटबुक में। ओके टिल देन बाय।